अभी नया नया है, अच्छा से भी नहीं सीख रही है, धीरे धीरे सीख लूंगा। तो चलो चलो, जब पकेगा तब तो दिखाऊंगा आप लोगों को। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग पे। सुबह उठते ही मैं नहा धोके एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे मेरे कपड़े भी वॉश कर लिया है और लेमो का जूते वगैरह भी वॉश कर दिया है मैंने, धूप में सुखाने के लिए दे दिया। रात को इतना जोर से बारिश दिया है ना, और सुबह में भी बारिश दिया है। अभी लगभग 10 बज चुका है तो मुझे अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। और धूप देखो आज निकल आई है। मैं सोची थी कि इतना बारिश दे रही है तो धूप नहीं देगा, तो सुबह उठते ही सरप्राइज मिला, धूप दे दिया। अभी एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ तो अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने बिंदी भी काट के रख दिया है दोस्तों, ये देखिए मैंने लंबे लंबे करके काटे हैं। और इसमें मैंने दिया है पानी और ग्रीन चिल्ली, ड्राई फिश और नमक। इसे जो है उबलने देती हूँ, फिर उसके बाद ये ड्राई सब्जी बना लूँगी मैं इसका। तो अभी बस ढक के रख देती हूँ। आइए, हाँ हो गया। और मैंने चावल को भी पका लिया है, ये देखो एकदम गर्मा गर्म। तो अभी बाहर में एक अलग ही सब्जी है, ये देखो ये है, क्या बोलेगा, हम लोग बोलते हैं इसे नागागुच्ची, पता नहीं इसे इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं। अगर आप लोग जानते हो तो ज़रूर कमेंट में लिखना क्या है। हम लोग कहते हैं गुच्ची, नागागुच्ची। तो अभी इसे मैंने ऐसे भिगो के रखी है, बस इसको जो है मैं हम लोग का ये ओकली पे खोलूंगी। देखो हाँ, एक ही हाथ से नहीं हो रही है। इसको मैंने वॉश करके रख दिया है, अभी इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगी। पानी पानी नहीं दूंगी इसे, बस सूखा सूखा करके यहाँ पे खोलूंगी सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं सब्जी पकाऊंगी। कैसे पकाती हूँ दिखाऊंगी जरूर। पानी उबल गई है दोस्तों, ये देखो। अभी बस ड्राई फिश को अभी थोड़ा ड्राई फिश को मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि इसका जो रस होता है निकलना चाहिए इसका टेस्ट आने के लिए। देखो अभी इसे यहाँ पे दे देती हूँ। फिर से गया ढक्कन, हो गया। अभी बाहर में काम जारी। यहाँ से ये ले लेती हूँ, कौन सा लेके जाऊंगी, ये वाला भी छेद है, इसको लिख के जाऊंगी। अभी इसको जो है दोस्तों मैं कैसे खोदती हूँ दिखा देती हूँ बिना पानी के साथ। इसको जो है ये जाली के ऊपर में मुझे सीट को रखना होगा, फिर उसके बाद जो है ये हम लोग का ओकली पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और मैं धीरे धीरे खोदूंगी ये पत्थर से, तो देखते रहिए और ब्लॉग पे बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही खोदनी पड़ती है। देखो ये जो सीट है ना, पूरा फूट रही है, ये देखो। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि जेरी दीदी आप ये पत्थर से मत खोदो, अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है फिर भी, मतलब और लकड़ी से उतना मुझे ताकत नहीं होती है। ये जो पत्थर है इसका सहारे थोड़ा देखो। मैंने मिक्स भी कर दिया है दोस्तों, और भी इसमें बाकी है, तो अभी सबसे पहले इससे निकाल लेती हूँ। ये देखो बस 2 चम्मच हो गया, देखो पूरा चिपक गया एकदम नरम, देखो नरम है। अभी फिर से इसको, मेरी बिंदी का सब्जी हो रही है दोस्तों बॉयल, तो अभी मैं यहाँ से धनिया पत्ता लेके जाऊंगी। ये देखो यहाँ से लेके जाऊंगी, ड्राई करके बना रही हूँ ना, तो बिंदी की सब्जी ड्राई करके बना रही हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से धनिया पत्ता दे दूंगी। लोकल धनिया हम लोग कहते हैं सावरांग, सावरांग। देखो वॉश कर लेते हूँ इसको, अभी भी पानी है तो मैं थोड़ा देर बाद दे दूंगी ये सावरांग को। धनिया, लोकल धनिया इसे होने देते हैं। तो अभी मैं बाहर में मेरी काम जारी है अभी भी। ये देखो ड्राई फिश को भी मैं अभी इसमें मिक्स करूंगी। चुको या इधर आ जाओ। जैसे मैंने इसको खोदा है ना, इसको खोदने के बाद देखो पूरा कलर चेंज हो गया। अभी ये सफ़ेद है, ये थोड़ा डार्क हो गया।
ने धनिया को भी दे दिया है। ये देखो पूरा ड्राई हो गई है, पानी नहीं है। देखो इसे भी मैंने मिक्स कर दिया है, अभी इसको निकाल लेती हूँ। ये देखो निकालने के बाद जो है दोस्तों कम दिख रहा है, थोड़ा देर बाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखो अभी भी पूरा उखली में लग गया है। ये देखो पूरा का पूरा निकाल लेती हूँ, एक भी नहीं छोड़ूंगी। हो गया, अभी इसको मैं देखो यहाँ पे पानी दे दूंगी। हो गया, ये देखो पूरा का पूरा मिक्स हो गया है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये ड्राई पीस है। प्याज भी काट के रख दिया है, अभी इसमें जो है मैं थोड़ा सा नमक दे दूंगी। ये देखो नमक का डिब्बा जो है गंदा हो गया, इसलिए मैंने नमक अभी तक इसमें डाला नहीं, तो अभी इसे थोड़ा देर बाद वॉश करूंगी। और कढ़ाई पे मैंने ऑयल भी दे दिया, देखो गर्म हो रही है, अभी इसको दे देती हूँ। प्याज गया कढ़ाई पे, इसमें मैं हल्दी नहीं दे रही हूँ दोस्तों, बस इसमें मैंने प्याज और थोड़ा सा नमक, अभी इसको ब्रेकफास्ट रेडी है दोस्तों, निकाल भी दिया है। ये देखो भिंडी की सब्जी और ये देखो ये क्या बोलेगा इसे, क्या तिल बोलता है पता नहीं, हम लोग कहते हैं नागागोची। तो अभी सबसे पहले मैं इसे टेस्ट कर लेती हूँ। एकदम बढ़िया, हम लोग जो है दोस्तों जैसे ब्रेकफास्ट किया है और यहाँ पे मम्मी को देखो आ गई। जब हम लोग बेडरूम पे थे, मम्मी मामा जी का घर पे गई है, देखो पूरा ये लाने के लिए गया था। वाह देखो पका हुआ कुकुम्बर, ये देखो ममरा, और ये छोटे वाले है क्या, ओ ये क्या बोलता है इसको पता नहीं, धुंधुली। और देखो मम्मी सबको बोल दो कि कल इतना प्यारा प्यारा कमेंट देने के लिए सबको थैंक यू बोल दो। थैंक यू थैंक यू। देखो मम्मी पूरा खुश है और मम्मी भी धीरे धीरे सीख रही है दोस्तों ब्लॉगिंग करना, वो भी मैं सिखा रही हूँ क्योंकि मम्मी को हिंदी आती है पर क्या ही बोलेगा, हम लोग का हिंदी जो है थोड़ा गड़बड़ी होती है, तो कोई बात नहीं फिर भी हाँ सीख जाएगी, हाँ सीख जाएंगे सब। आते ही पूरा यहाँ पे जमा कर रही है फैशन प्रूफ। और ये नए टोकरे हम लोगों का है क्या? हाँ। कितना है ये? हाँ 250। 250। और यहाँ पे मम्मी का कुर्ती सेट थोड़ा देख लेते हो, ये मैंने जब मेरे पापा लोग आए थे उस टाइम पे मम्मी के लिए भी मैंने ये खरीदा था, एक बार पहनी है, उसका सिलाई निकल गया तो कर दिया। ओ, बहुत ही प्यारा है दोस्तों, पैंट एक और कुर्ती, इसमें चुन्नी वगैरह नहीं मिलता है, कॉटन का है, मजा है पहनने में, अभी तक जवान है, जो मर्जी है वही कपड़े पहन सकेगी है ना। उसको अभी वहाँ ऊपर में रख रही है ये टोकरी को, तो इसे जो है हम लोग का जो चूल्हा जलाते हैं ना उसका वजह से धुआं जाता है, कलर चेंज होता है। ये देखो यहाँ पे भी है मेजांग, इतना जवान भी नहीं बुद्धि इसलिए तो हिंदी तो इतना बोलना नहीं आता है। फिर भी सीख जाएगी धीरे धीरे, धीरे सीख जाएगी। दिन भर बोरिंग है दोस्तों, आप लोगों को क्या ही ब्लॉग बना के दिखाओ, तो घर में जो करते हैं वो सब दिखानी पड़ती है। अभी मौसम का हालत उतना ठीक नहीं है। और यहाँ देखो ये देखो देखो क्या इसमें कीड़ा हो गया, ओ ये चावल का कीड़ा है, ये दरअसल स्टिकी राइस है, तो इसे जो है अभी मैं भिगो के रखूंगी। अभी प्रेस भी हो गया, नहा लिया हमने। हाँ अभी बहू और हम चावल लेने जाएगा। हाँ दरअसल दोस्तों मैं और मम्मी जा रहे हैं मनोज का घर पे, तो उसका जो पापा है हम लोग का गांव बुरा है ना। हाँ तो ऐसा होता है कि यहाँ पे किसी किसी का राशन कार्ड नहीं है, तो जो भी वोटर है वो लोगों का है राशन कार्ड। हम लोग तो सब लोग वोटर है। हाँ सब घर पे सब वोटर है, तो अभी वही के लिए दोस्तों राशन कार्ड लेने जाना होगा, इशू हो गया, तो अभी चावल भी मिलने वाली है इस महीने में, चावल लेने भी जाएगा। हाँ टेस्टिंग करो, पकड़ो कौन सा हाथ चलता है। फोन को ऐसे पकड़ के ब्लॉक करना। हाँ ऐसे तो बोल दो कुछ ना कुछ। अच्छा से भी पकड़ नहीं सकता है। आदत बना लो, है ना, आदत बना लो, आदत बना लूंगा। हाँ
और तो, नया नया है हाँ, अच्छा से भी नहीं सीख रही है धीरे धीरे सीख लूंगा हाँ, तो चलो हाँ चलो हाँ, जाएगा थोड़ा ऐसे घुमाओ मेरे तरफ घुमा दो फोन को ऐसे हाथ को घुमाओ ऐसे धीरे धीरे सीख जाऊंगा और घुमाओ अपने तरफ ये देखो थोड़ा और करो ऐसे हाँ धीरे सीख जाऊंगा हाँ पूरा एकदम फ्रेश दिख रही है तो चलो जाते हैं चलो हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों मानस दोस्त का घर पे तो ये देखिए वहां से लेके जानी है अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा मम्मी वहां पे गई है अंदर पे तो आधार कार्ड पैन कार्ड वो सब चाहिए होता है तो और वोटर आईडी और जिसका भी वोटर कार्ड होता है तो वो लोग का सबका राशन कार्ड हो गया है तो हमें जो है दोस्तों फिर से यहां पे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करना पड़ रहा है क्या झमेला है ये गवर्नमेंट का रूल ऐसे ही होता है तो अभी अंदर पे मम्मी गई है पूरा अंधेरा है थोड़ा फ्लैश लाइट ऑन करना पड़ेगा पूरा का पूरा चावल ही चावल है यहाँ पे ये दीदी लोग का है मनोज दोस्त का है ये क्या क्या है इसमें सरसों हाँ सरसों है और अभी यहाँ से हमें जो है कितना किलो मिलता है मम्मी 24 भैया का लम्बो का और दीदी का और आपका यहाँ पे देखिए ये है मनोज की मम्मी और यहाँ पे चावल 24 किलो ये देखो ये एक डिब्बा का 1 किलो है तो हम लोगों का चावल जो है हो गया है और मेरा नहीं मिलता है क्योंकि मैं मिजोरम का हूँ तो कोई बात नहीं बोतल यहाँ पे बना दूंगी है ना तो अभी इसको स्कूटी पे डाल देते हैं जा रहे थे घर पे दोस्तों तो अभी आधे रास्ते से हम लोग लेके जाएंगे यहाँ से अंडा चौप ये देखो एकदम लाल लाल फिर भैया का दुकान से हम लोग लेके जाएंगे यहाँ से नारियल कहनों के लिए जो हम लोग ट्रेडिशनल बिस्किट बनाएंगे नारियल चाहिए होता है तो मम्मी देख रही है बारी बारी टाइप का ठीक होता है हाँ ये भी ठीक है घर के लिए यहाँ पे मोमबत्ती ले लिया है कैंडल्स और यहाँ पे ये नारियल घर पे पहुँच चुके हैं दोस्तों अभी ये चावल को वहाँ पे उतारनी पड़ेगी घर पे तो तीनों के लिए अंडा चप लाए हैं तो अभी खाएंगे ये देखो नारियल भी मैंने छील के यहाँ पे काट कूट के रख दिया है और यहाँ पे मम्मी भी आ गई है देखो पत्ते तोड़ने के लिए गई थी ये देखो मौसी जी का वहाँ से तोड़ के लाई है और बहन लोग जो है जब हम लोग वहाँ पे गए थे ना उस टाइम पे दीदी को बुलाया कि दीदी जब भी आ जाओ यहाँ पे हम लोगों के लिए वो ट्रेडिशनल बिस्किट ला दो ना ऐसा बोल दिया था तो इसलिए देखो अभी मम्मी और मैं यहाँ पे एक ही साथ में बनाएंगे और यहाँ पे बनाना है लोकल बनाना वाह ये देखो सबसे पहले ये चावल को स्टिकी राइस को भिगो के रखनी पड़ती है और यहाँ पे देखो मम्मी ट्रांसफर करी है यहाँ पे हो गया इसे फिर से वॉश करने नहीं पड़ेगी वॉश नहीं करेगा देखो पूरा सफा तीन बार वॉश किया है तीन बार वॉश किया है तो अभी ये नारियल को यहीं पे दे देंगे थोड़ा सा टेस्ट आने के लिए नमक दे देंगे और बनाना दे देंगे हाँ, नमक डाल रही है नारियल और यहाँ पे और अभी मैं यहाँ पे और भी है पूरा का पूरा दे देंगे बनाना निकल लेगा हाँ ये देखो अभी ये केले को दे देंगे यहाँ पे तो मैं केले छिलती हूँ मम्मी है ना मम्मी मिक्स कर रही है दोस्तों और मैं केले छिल रही हूँ ये देखो हम लोगों का बगीचा केला ऐसा ऐसा मिक्स करना है अच्छा से मिक्स करना ये देखिए दोस्तों पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर रही है मम्मी यहाँ हाँ, पे ऐसा अच्छे से मिलाना है हाँ देखो पूरा का पूरा एकदम खुशबूदार हो रही है बनाना फ्लेवर और कोकोनट टेस्टी होगा हाँ टेस्टी होगा एक्सपर्ट है मम्मी जिसको खाने का मन है खाने हाँ, सकेगा हाँ मेरा हाथों का जादू हाँ हाथों का जादू ये देखिए पत्ते को कैसे कोनिकल शेप में बनाते हैं और उसके बाद ये चावल को यहाँ पे डाल देते हैं ये देखो अभी कैसे बंद करते हैं थोड़ा उसका टेक्निक हाँ, भी दिखा दो देखो ऐसा हाँ, करके बंद करता है और ऐसा और ऐसा और ऐसा हाँ इसमें जो ये देख रहे हो ना दोस्तों इसको जो है नीचे में ऐसे छुपाना पड़ेगा थोड़ा सा ठंडा करके ऐसा हाँ देखो
अभी बिल्कुल परफेक्ट। हाँ बिस्कुट जो है यहाँ पे लाइन करके दे दिया है, बस लास्ट में एक तो बचा है, ये देखो हम लोगों ने गिना नहीं, पता नहीं कितना होगा, शायद 18 पीस ऐसा हो जाएगा, है ना मम्मी? हाँ, तो अभी मैं आग को जला लेती हूँ यहाँ पे। पत्ता जो दे रहा है ना वो गैस को नहीं जाने के लिए, हाँ जल्दी हो जाएगा। हाँ यहाँ पे में गैस तो आ जाएगा। हाँ सबसे पहले गर्म पानी को दे दिया है, बस इसको जो है यहाँ पे एक तो ठंडा रखना पड़ेगा यहाँ पे, और स्टीम में जल्दी गैस तो आ जाएगा। हाँ देखो अभी स्टीम को भी बिता दिया है, अभी इस पे फिर से ढक्कन देनी पड़ेगी। ढक्कन तो दे दो, अभी तो बिस्कुट तो बिता दिया। हाँ पकने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हाँ अभी इंतजार करेंगे, जब पकेगा तब तो दिखाऊंगा आप लोगों को। और वीडियो को एंड कर दो। आज के लिए इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल अच्छा पर लगा तो कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हाँ बाय बाय बोल दो।